बहुत सारी वेब सीरीज आती जा रही है, बट साला देखे क्या। थंबनेल से पता लग गया होगा कि Amazon Prime की बेस्ट वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। इन शॉर्ट रिव्यू से आप तय करें कि आपके लिए कौन सी बनी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। नंबर 8 पर 2019 में आई एक्शन ड्रामा वेब सीरीज ट्रेडस्टोन, जिसमें कहानी देखने को मिलती है ट्रेडस्टोन नाम के एक सीक्रेट प्रोग्राम की, जिसमें अमेरिका कोल्ड वॉर के टाइम रशिया को हराने के लिए सुपर सोल्जर को तैयार करती है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका टाइप सुपर सोल्जर्स। और ऐसी ही सोल्जर्स को ट्रेडस्टोन प्रोग्राम में बनाए जाते हैं ताकि उन्हें खास मिशन पर एक कोड के द्वारा एक्टिवेट किया जा सके। सभी सुपर सोल्जर्स को किस टाइम पर एक्टिवेट किया जाता है, उन्हें किस तरह के मिशन दिए जाते हैं और कैसे वो इन मिशन को पूरा करते हैं, आप इस सीरीज को देखकर जानो। 7 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज Amazon Prime पर अवेलेबल जरूर देखें। नंबर 7 पर 2019 में आई ड्रामा सीरीज NOS 4A2, इसमें कहानी देखने को मिलती है चार्ली मैक्स नाम के एक वैम्पायर की, जो बच्चों को पकड़कर क्रिसमस लैंड के नाम की एक जगह पर ले जाता है, जिसमें वो डैनियल नाम के बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद मैगी नाम की लड़की उसे ढूंढने लग जाती है, जिसमें उसकी मदद करती है वॉइस मैक्यून नाम की एक लड़की जिसके पास एक सुपर पावर है, जिससे वो चीजों को ढूंढ सकती है पोर्टल ब्रिज को खोलकर। जिसके बाद क्या वॉइस मैगी के साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढ पाती है या नहीं, इसे आप देख सकते हो। इसमें टोटल 2 सीजन है और हर सीजन में 10 एपिसोड, जिसमें हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के हैं। 6.9 रेटिंग के साथ Amazon Prime पर अवेलेबल जरूर देखें। नंबर 6 पर 2015 में आई एक्शन ड्रामा सीरीज इनटू द बैडलैंड्स, कहानी में दिखाया गया एक ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर की, जिसमें वॉर के बाद पूरी दुनिया खत्म हो गई है और बस 7 बड़े किंगडम बचे हुए हैं। इनमें से जो सबसे पावरफुल किंगडम है उस पर राज करता है क्वीन नाम का एक आदमी, जिसके पास है एक हाईली स्किल्ड वॉरियर जिसका नाम सनी होता है। एक दिन सनी की मुलाकात एक मिस्टीरियस लड़के से होती है जिसके पास कुछ खास पावर होती है, जिसके बाद सनी को पता चलता है कि इस मिस्टीरियस लड़के के पीछे एक वीडो नाम की औरत पड़ी है, जो क्वीन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आखिर ये मिस्टीरियस लड़का कौन होता है और उस लड़के से क्या चाहती है, और क्या सनी उसे बचा पाता है या नहीं, ये सीरीज देखकर जानो। 3 सीजन और हर सीजन में 10 से 16 एपिसोड, जिसमें हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के हैं। 8 रेटिंग के साथ ये सीरीज जरूर देखें। नंबर 5 पर 2015 में आई साईफाई सीरीज 12 मंकीज, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें डेडली वायरस फैलने से पूरी दुनिया का सफाया हो चुका है, लेकिन बचे हुए इंसानों में से कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक एडवांस टाइम मशीन बना लेते हैं और जेम्स कोल नाम के आदमी को टाइम मशीन की मदद से 2015 में पास में भेज देते हैं, ताकि वो डेडली वायरस को फैला देने वाले मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आर्मी ऑफ 12 मंकीज को रोक सके। जिसके बाद कोल पास में जाकर इस वायरस को रोकने के लिए क्या करता है, इस सीरीज को देखकर जानो। 4 सीजन, जिसके हर सीजन में 10 से 11 एपिसोड और हर एपिसोड 50 मिनट के हैं। 7.1 रेटिंग के साथ ये सीरीज जरूर देखें। नंबर 4 पर 2019 में आई क्राइम वेब सीरीज कार्निवल रो, कहानी में देखने को मिलता है एक डिटेक्टिव की, जो अपने शहर में हो रहे मिस्टीरियस मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करता है, साथ ही उसके कुछ पास्ट के सवालों के जवाब भी ढूंढ रहा होता है। सीरीज में एक फेरी को भी दिखाया गया है, जो डिटेक्टिव से बहुत प्यार करती है, क्योंकि ये लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंसानों के अलावा बहुत सारे क्रिएचर्स भी रहते हैं, लेकिन इंसान अपनी सोसाइटी में इन क्रिएचर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जिसके बाद क्या वो डिटेक्टिव अपनी प्रॉब्लम और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं, और इस फेरी और डिटेक्टिव का क्या होता है, वो आप सीरीज में देखो। 2 सीजन, जिसमें 8 से 10 एपिसोड और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट के हैं। नंबर 3 पर 2021 में आई एक्शन फिक्शन सीरीज द व्हील ऑफ टाइम, इस सीरीज का नाम आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। इसकी सक्सेस और हाइप की वजह है इसकी स्टोरी लाइन और प्लॉट। कहानी की शुरुआत होती है मोरेन से, जो एलिमेंटल फोर्स को 1 पावर बना सकती है। बहुत साल पहले उसका मेन 1 पावर करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक मेल चैनलर जिसका नाम ड्रैगन होता है वो दुनिया को तहस नहस कर देता है। फीमेल चैनलर चाहते हैं कि मेल चैनलर को खत्म किया जाए, मोरेन और उसके फैलो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए वो ड्रैगन के रीकार्नेशन के लिए निकल जाते हैं, जिसकी मदद से वो इविल फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सीजन भी जरूर आएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है। अभी तक इसका एक सीजन आया है, जिसमें 8 एपिसोड है। 7.1 रेटिंग के साथ ये सीरीज जरूर देखें। नंबर 2 पर 2019 में आई एक्शन थ्रिलर सीरीज है ना, कहानी एक लड़की पर बेस है, जिसको एक CIA एजेंट जंगल में बड़ा करता है, क्योंकि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है। इसके टोटल 3 सीजन है। ये सीरीज ऑस्कर नॉमिनेट 2011 फिल्म हैना पर ही बेस है।
कहानी में एरिक जो कि CIA एजेंट है और CIA एजेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी को रिक्रूट किया जाता है और CIA बच्चों के DNA को चेंज करके उन्हें सुपर सोल्जर बनाना चाहती है। एरिक जो कि बच्चे को और उसकी माँ को लेकर भाग जाता है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम को शट डाउन करना पड़ता है। स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हैना अपनी आइडेंटिटी तलाश करने के लिए निकल जाती है और CIA उसके पीछे पड़ी होती है। ये सीरीज आपको काफी एंगेज करेगी और ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी जब बात हो प्राइम की बेस्ट वेब सीरीज का और नंबर वन पे ये सीरीज ना हो। तो नंबर वन पर 2019 में आई एक्शन फिक्शन मूवी द बॉयज। अरे अरे सॉरी भावुक हो गया था। कहानी में बताया गया है कि ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरो करप्ट है। सुपर हीरो की एक टीम होती है जिनका नाम है द सेवन और इनका लीडर है होमलैंडर। इन सबको रोकने के लिए बिली बुचर नाम का एक बंदा अपनी बॉयज की टीम बनाता है जो इन सुपर पावर को कंट्रोल कर सके। बिली बुचर बाकी हीरो के साथ साथ होमलैंडर को मारने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि होमलैंडर सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस शो को ग्राफिक वायलेंस और यूनिक एक्शन सीरीज की वजह से वर्ल्ड वाइड इसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया और ये सबसे ज्यादा हिट रही और इस शो की फैन बेस भी बहुत बड़ी है। शो मस्ट वॉच है जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं तो इसे मिस ना करें। 8.7 रेटिंग के साथ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल, जरूर देखें। सो यही बहुत है रिव्यू का दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर दो और अपनी फेवरेट वेब सीरीज कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।